हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे आईटीआई से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईटीआई 2019 में आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आप सभी को 35 क्वेश्चन जो करवा दिया था दोस्तों, ये सेट नंबर दो है, वीडियो नंबर दो। इसी तरह के और भी कम से कम 20 से 25 वीडियो आने वाला है दोस्तों, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस का, सभी तरह के टॉपिक का आने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों और चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको पूरी जानकारी देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। दबाने के साथ एक घंटा भी आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि जैसे ही नया कोई वीडियो लेकर आओ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप सभी को बताऊंगा अभी कि आईटीआई में कितने टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है, और इसमें बता दूं कि नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री से पहले कौन कोच था? तो ये था दोस्तों अनिल कुंबले। जानते होंगे अभी जो है कौन सा कोच है क्रिकेट टीम का, वो है रवि शास्त्री, और उनसे पहले जो था एक साल के लिए बनाया गया था वो अनिल कुंबले था। तो यहाँ पे 36 का भी हो जाएगा, 37 का हो जाएगा। देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है दोस्तों, यह है आपका अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद में है, 37 का ए। 38 नंबर है कि विंबलडन, ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति था। अश्वेत व्यक्ति था दोस्तों, विंबलडन जो ट्रॉफी होता है वो जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति था, उसका नाम था क्या? वो आर्थर एस, ठीक है, आर्थर एस था। यहाँ पर यह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर है कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, वो है आपका ईगल, ठीक है, यहाँ पे ईगल राष्ट्रीय प्रतीक है जर्मनी का, तो 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जानते होंगे दोस्तों, बाघ है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 40 का बी हो जाएगा, बाघ। 41 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है, जानते होंगे दोस्तों, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 गुने 10^12 किलोमीटर। यही अगर मीटर में रहता तो ये हो जाता 15, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पूछा जा रहा है तो ये होगा 9.46 गुने 10^12 किलोमीटर। यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर है कि श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग इतनी होती है, कितनी होती है दोस्तों? सांस जो लेते हैं हम लोग, तो उसकी ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ऐसे सांस लेते हैं तो श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है दोस्तों? वो होता है आपका 10 डेसिबल, ठीक है, 10 डेसिबल तक होती है लगभग। यहाँ पे 42 का सी हो जाएगा, और हम लोग जो बोलते हैं वो होता है 40 से 50 डेसिबल। 43 नंबर है कि न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे? तो जानते होंगे दोस्तों, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गति नियम। 44 है कि 1 मीटर निम्न गजों की संख्या के बराबर है, 1 मीटर जो होता है दोस्तों, जानते होंगे 1 मीटर निम्न गज, 1 मीटर बराबर कितने गज के बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 44 का आपका 1.09 गज, ठीक है, 1.09 गज के बराबर होता है गजों की संख्या 1 मीटर बराबर। 45 है कि लक्स किसकी इकाई है? लक्स किसकी इकाई है दोस्तों? तो लक्स जानते होंगे दोस्तों, ये प्रदीपन की इकाई है, प्रदीप्त वस्तु का, ठीक है। 45 का डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। पिक्को का अर्थ क्या होता है? जानते होंगे दोस्तों, पिक्को, फेमटो, ऑटो, इस ये जो होता है पिक्को का अर्थ क्या होता है? तो पिक्को, एक पिक्को बराबर कितना होता है, कितना मीटर? तो ये होता है आपका 10^-12 मीटर। तो 46 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 47 नंबर है कि एक्टिनोमीटर क्या मापता है? एक्टिनोमीटर, तो एक्टिनोमीटर जो मापता है दोस्तों, ये मापता है आपका विकिरण, ठीक है, विकिरण जो होता है प्रकाश की किरण में, विकिरण ही के माध्यम से आता है हमारे धरती पर सूर्य का प्रकाश, तो वो किस चीज़ से हम नापते हैं उसको? वो एक्टिनोमीटर से। एक्टिनोमीटर क्या मापता है? विकिरण को मापता है। 48 है कि कैमरा का आविष्कार किसने किया? तो कैमरा का आविष्कार जो दोस्तों किया है, ठीक है, यहाँ पे 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निप्से, ठीक है दोस्तों, निप्से जो है कैमरा का आविष्कार किया था, 48 का डी। 49 नंबर है कि किसने पैराशूट का आविष्कार किया? तो पैराशूट का आविष्कार और आविष्कारक से भी क्वेश्चन रहते हैं 2 से 3, यहाँ पे भी पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में पूछा जा चुका है आपको। मैं बता दिया कि इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और हो सकता है स्वयं टी स्वयं आप सभी को पूछा भी जाए। 49 नंबर है कि किसने पैराशूट का आविष्कार किया? तो ये किया है दोस्तों, 49 का आपका हो जाएगा लेनोमैंड, ठीक है, लेनोमैंड ने
पैराशूट का आविष्कार किया? 49 का ए हो जाएगा सही आंसर। 50 नंबर है दोस्तों कि किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी? तो कितने ईस्वी में दोस्तों ये किया था आपका 1957 ईस्वी में, ठीक है, डीएनए का खोज किया था दो आदमी मिलकर वाटसन और क्रिक ने। यहाँ पे 50 का सी हो जाएगा, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। देखिए अब सामान्य विज्ञान, भौतिकी और रसायन, ठीक है, ये भी पूछता है दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है इससे रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपको साइंस सोशल मतलब जीके से रहते हैं और 50 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो देखते हैं भौतिकी और रसायन से। 51 नंबर क्वेश्चन है कि अभी रिएक्शन दिया गया है 2KMnO4 प्लस 16HCl 2MnCl2 प्लस 2KCl प्लस 8H2 प्लस 5Cl2 के अनुसार 3.20 मोल। देखिए HCl के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने क्लोरीन के मोल का उत्पाद करेगा। देखिए HCl और क्लोरीन, तो यहाँ पे 16HCl बराबर क्या होगा 5Cl2, देखिए और बोल रहा है 3.2, यानी 16 है 5 में, तो ये 3.20 में कितना होगा, तो यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे 5/16, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 3.2, तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसको जो गुना करिएगा दोस्तों आप लोग, तो ये 16/16 हो जाएगा, तो यानी इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 मोल का उत्पाद करता है। तो 51 का ए हो जाएगा यहाँ पे, क्या किया हम 16 से 5 के बराबर कर दिया, यानी 16HCl बराबर 5Cl2, उसके बाद 3.20HCl को हम क्लोरीन के मोल के उत्पाद के बारे में निकाल देंगे, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन निकलेगा मोल का उत्पाद। 52 नंबर है कि कोल गैस में होता है, तो कोल गैस में क्या क्या होता है, H2 होता है, CH4 होता है, CO होता है, ये तीनों का मिश्रण होता है कोल गैस। 53 नंबर है कि स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं, पूछा जा रहा है दोस्तों स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल जो होते हैं वो क्या होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये होता है 53 का आपका C20 से C30 हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये होता है, इसी के बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पे 53 का सी हो जाएगा। 54 नंबर है कि LPG का उष्मीय मान होता है, कितना होता है लगभग LPG का उष्मीय मान, तो ये होता है दोस्तों 54 का आपका 50 किलोग्राम पर ग्राम, ठीक है, 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, यहाँ पे 54 का सी हो जाएगा, LPG का उष्मीय मान ये रटने वाला है 50 kg जूल पर ग्राम। 55 नंबर है, पूछा जा रहा है कि यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है, कौन सा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CH4, यानी मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान होते हैं, ठीक है, 55 का सी हो जाएगा। 56 है दोस्तों कि फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, किस अयस्क के लिए, फेन प्लवन विधि किस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, तो ये हो जाएगा आपको जिंक ब्लेंड अयस्क के लिए, जिंक ब्लेंड जो है इसी के लिए आपका फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है, तो जिंक ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। 57 है दोस्तों कि निस्तापन इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा, निस्तापन जो है किस धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉपर ग्लांस को, ठीक है, 57 का बी हो जाएगा, कॉपर ग्लांस को जो है ये ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। देखिए 58 नंबर है कि श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध होती है, यानी किस जैसा, श्वेत फास्फोरस में, तो ये होता है लहसुन जैसी गंध पाया जाता है श्वेत फास्फोरस में, ठीक है। देखिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है कि यह एप्सम लवण कहलाते हैं, एप्सम लवण जो होता है दोस्तों क्या कहलाते हैं यहाँ पे, तो ये कहलाते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, (7H2O) मैग्नीशियम सल्फेट कहलाते हैं एप्सम लवण, तो यहाँ पे 59 का सी हो जाएगा, एप्सम लवण किसको कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को, MgSO4। 60 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया पर कौन सा उत्पाद बनाता है, तो एथेनॉल जो है इसके साथ अभिक्रिया के साथ गर्म करने पर कौन सा रिएक्शन का उत्पाद प्रोडक्ट बनाता है दोस्तों, तो ये बनाता है CH3COOH कार्बोजिलिक एसिड का, CH3COOH, ठीक है, यहाँ पे 60 का बी हो जाएगा सही उत्तर आपका। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था, वाष्प चालित नौका का या फिर डेवी का, दीपक का या फिर विद्युत बल्ब या फिर डीजल इंजन का, तो सबसे पहले जो आविष्कार किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम वो किया गया था
डेवी का दीपक, हम्फ्री डेवी, ठीक है दोस्तों, हम्फ्री डेवी का जो दीपक था उसी का सर्वप्रथम यानी वाष्प इंजन का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मतलब इसका जो सर्वप्रथम किया गया था डेवी का दीपक, ठीक है 61 का भी। यहाँ पे हम लोग दोस्तों लगभग 25-26 क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस के थे और कुछ क्वेश्चन जो है जीके से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो हम पूरा साइंस को देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, ठीक है, उसके बाद मैं मैथ के बनाऊंगा और इसी तरह के लगभग 20 से 25 सेट आने वाला है दोस्तों आप सभी के एग्ज़ाम से जब तक ख़त्म ना हो जाए। और आप लोग अपने घर पर भी सेट मारते रहिए और यहाँ पे भी देखते रहिए कि किस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बन रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।